नेक्स्ट वन अदर इंटरेस्टिंग मेथड इज स्प्लिट। स्प्लिट मेथड का जस्ट वर्किंग क्या है, सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है, अगर सिंगल स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं सेपरेटेड बाई सम कैरेक्टर्स लाइक सेपरेटेड बाई कॉमा, सेपरेटेड बाई स्पेस और सेपरेटेड बाई सम स्पेशल सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल्स अगर एड्रेस के रिस्पेक्ट बात करें, सपोज दैट लाइक दैट स्ट्रिंग एड्रेस ऑफ अ पर्सन, एड्रेस के रिस्पेक्ट में जस्ट एड्रेस इस टाइप से अवेलेबल लाइक सम ब्लॉक इंफॉर्मेशन, ब्लॉक नेम एज B1, देन ब्लॉक वन के बाद जस्ट क्या आएगा, जस्ट फ्लैट नेम और फ्लैट नंबर, ब्लॉक B1 फ्लैट नंबर एज 202 और समथिंग कॉलोनी इंफॉर्मेशन सेम एज कॉमा, सिटी इंफॉर्मेशन देन स्टेट एंड कंट्री लाइक दैट। इसमें जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन किया स्टेट और कंट्री लाइक दैट। इस तरह से अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या किसी पर्टिकुलर यूजर का अगर एड्रेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एड्रेस के केस में फर्स्ट केस में रिप्रेजेंट किया हो रहा है ओनली ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, मीन्स अपने अगर स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में आते हैं टोटल स्ट्रिंग अपने आप में ओनली सिंगल स्ट्रिंग, लेकिन सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ओनली सिंगल इन्फॉर्मेशन है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एड्रेस लाइक अ ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, फ्लैट नंबर सेम एज कॉलोनी डिटेल्स और एरिया सेम एज सिटी इंफॉर्मेशन स्टेट और कंट्री लाइक दैट। बट सपोज इस पर्टिकुलर केस में मुझे इन्फॉर्मेशन सेपरेट फॉर्म में स्टोर कराना, मीन्स डेटाबेस टेबल के अंदर इसे इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए अगर मल्टीपल सेपरेट कॉलम्स अवेलेबल हैं लाइक ब्लॉक सेम एज फ्लैट नंबर सेम एज सिटी स्टेट और कंट्री डिटेल्स लाइक दैट। डेटाबेस के अंदर जैसे एड्रेस को स्टोर कराने के लिए सेपरेट कॉलम्स अवेलेबल, लेकिन ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एंटर किसके थ्रू है, यूजिंग सम टेक्स्ट बॉक्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू एंटर हो, देन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन कितने हैं, ओनली सिंगल इन्फॉर्मेशन, देन सबसे पहले मीन्स इसे इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये अगर आपको सिंगल कॉलम में स्टोर कराना देन आपके लिए इजीली स्टोर कराना पॉसिबल, क्योंकि इनिशियली स्ट्रिंग कितने फॉर्म में, ओनली एज अ सिंगल वैल्यू, लेकिन आपको कन्वर्ट किस फॉर्म में कराना मीन्स फाइव डिफरेंट फ्रेंड वैल्यूज। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करा लोगे इनटू सब स्ट्रिंग्स, मीन्स सब स्ट्रिंग्स कितने क्रिएट होंगे, बेस्ड ऑन कॉमा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, टोटल सिक्स केस हैं। इस केस में कॉलम्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे, सिक्स कॉलम, एक कॉलम राइट करना भूल गया जस्ट सम कॉलोनी, क्लियर लाइक दैट। इस टाइप से अगर सिक्स इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में स्टोर करना, तो सबसे पहले इसे इन्फॉर्मेशन को आप स्प्लिट कराओगे, तो स्प्लिट कराने के लिए जस्ट यूज क्या कर लेंगे, एड्रेस डॉट स्प्लिट मेथड, एड्रेस डॉट स्प्लिट मेथड। जैसे ही स्प्लिट मेथड कॉल होगा, स्प्लिट मेथड के केस में आपको एक पैटर्न पास करना होगा, मीन्स पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सेपरेट किससे हो रहा है, कॉमा से, सभी केस में सेपरेट किससे कर रहा है, कॉमा से। अगर सेम इन्फॉर्मेशन कॉमा के प्लेस पर अगर स्पेस से सेपरेट होता है, देन इस प्लेस पर डबल कोट्स के अंदर सप्लाई क्या करोगे, स्पेस। अगर कॉमा से सेपरेट हो रहा है देन सप्लाई क्या करेंगे, कॉमा, मीन्स यहाँ कॉमा क्या है, सेपरेटर, मीन्स इस पैटर्न को आप कंसिडर करोगे एज अ सेपरेटर। प्लस सेपरेटर के केस में अगर ये हाइफन से सेपरेट हो रहा है, उस केस में यूज क्या करोगेगा, हाइफन सिंबल। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के बेसिस पर आपके लिए स्ट्रिंग सेपरेटली स्प्लिट कराना पॉसिबल है। जब ये मेथड कॉल होगा, इस मेथड का वर्किंग क्या है, मेथड इंटरनली स्ट्रिंग टाइप का एक न्यू एरे क्रिएट करेगा, मीन इस केस में इंटरनली क्रिएट क्या हो जाएगा, वन स्ट्रिंग एरे। प्लस ऐसे स्ट्रिंग एरे का लेंथ क्या होगा, डिपेंड करेगा ऐसे कॉमा के बेसिस पर, गिवन सेपरेटर के बेसिस पर स्ट्रिंग कितने सब स्ट्रिंग्स में सेपरेट हुआ है या स्प्लिट हुआ है। तो इस केस में कॉमा के बेसिस पर कितने कॉलम्स में स्प्लिट होगा, सिक्स कॉलम्स। तो इस केस में एरे का साइज भी क्या होगा, ऑल्सो सिक्स लाइक दैट, क्लियर। फर्स्ट केस में आसान क्या हो जाएगा, सेपरेटली B1, सेकेंड केस में सेपरेटली क्या आसान हो जाएगा, 200, सेम एज थर्ड केस में सम कॉलोनी सेम एज सिटी स्टेट और कंट्री लाइक दैट। देन अगर इसे स्ट्रिंग एरे का एड्रेस 100 है, फाइनली ये मेथड आपको रिटर्न क्या करेगा, 100 इन कॉलिंग प्लेस। देन इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए, मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एरे टाइप का है, आसान भी किसमें करा हुए, स्ट्रिंग एरे टाइप के रेफरेंस वैल्यू लाइक दैट। दिस इज द वर्किंग ऑफ
स्प्लिट मेथड मीन्स फाइनली स्प्लिट मेथड का यूज करके कोई भी गिवन स्ट्रिंग इक्विवेलेंट सब पार्ट्स में या मल्टीपल सब पार्ट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। प्लस स्प्लिट मेथड का रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एरे। इस एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेन किया है। स्प्लिट मेथड का वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए मैंने प्रोवाइड किया है गिवन एग्जाम्पल्स, क्लियर। इसे आपके लिए काफी यूजफुल मेथड अगेन। नेक्स्ट वन मीन सबसे पहले इस केस में स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है एस, एस इज है ओरिजिनल स्ट्रिंग, इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को स्प्लिट कराया है लेकिन सेपरेटर के पास क्या है स्पेस, क्योंकि स्ट्रिंग सेपरेट किस फॉर्म हो रहा है स्पेसेस के फॉर्म में। तो इस केस में जैसे ही मेथड कॉल होगा मेथड इंटरनली क्रिएट क्या करेगा वन स्ट्रिंग एरे, इसे स्ट्रिंग एरे के केस में इंटरनली क्रिएट किया हुआ समथिंग लेंथ मेथड, स्ट्रिंग कितने सब स्ट्रिंग में स्प्लिट हुआ थ्री ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, देन फाइनली से एरे के अंदर सब स्ट्रिंग भी कितने स्टोर हो जाएंगे थ्री सब स्ट्रिंग्स लाइक ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड समथिंग, क्लियर। अगर इसका एड्रेस 100 है फाइनली मेथड आपको रिटर्न क्या करेगा इस कॉलिंग प्लेस पर 100 कॉपी हो जाएगा इनसाइड ए, देन रेफरेंस वेरिएबल ए इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करें, इसको आप नेम दोगे ए डॉट लेंथ ए जीरो लाइक दैट और ए वन। इस एरे में आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर। अगर आपको एरे में कोई कन्फ्यूजन है डजंट मैटर, मीन्स आपको वर्किंग होना वर्किंग ऑफ स्प्लिट मेथड सिंटैक्स इज डजंट मैटर। देन इस केस में फाइंडली फोर ईच लूप के थ्रू मैंने एरे ए के सारे कंटेंट्स एक्सेस किए हैं ऑलरेडी, मैंने वर्किंग एक्सप्लेन किया था वर्किंग ऑफ फोर ईच लूप। फोर ईच लूप को स्पेशली डिजाइन किस लिए किया गया था स्पेशली फॉर रीडिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। इस केस में एरे ए के ऑल एलिमेंट्स वन बाई वन कॉपी किस होंगे एक्स में, फर्स्ट टाइम ए में क्या कॉपी हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी, इसलिए फर्स्ट केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा इससे प्रिंट एलन से आ जाए ए बी सी। नेक्स्ट टाइम जब एरे एग्जीक्यूट हो तो इस केस में कॉपी क्या होगा सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या पी क्यू आर, तो एक्स का वैल्यू पी क्यू आर होगा इसलिए प्रिंट एलन से डिस्प्ले क्या होगा सेकंड टाइम पी क्यू आर। थर्ड टाइम ए का थर्ड एलिमेंट कॉपी हो जाए इनसाइड एक्स और थर्ड एलिमेंट क्या है इसके इसमें एक्स वाई जेड, इसलिए प्रिंट एलन के अंदर एक्स का वैल्यू भी क्या प्रिंट होगा ऑल्सो एक्स वाई जेड। वन मोर थिंग्स अगर स्प्रिंग कॉमा से सेपरेट होता देन इसके इसमें आप सेपरेट क्या पास कर सकते थे कॉमा सेम एज, जरूरी नहीं कि इस प्लेस पर आप स्पेशल सिंबल्स भी पास करोगे, सपोज अगर मैंने स्पेस पर इसको सेपरेट करा बाई यूजिंग सम अदर कैरेक्टर लाइक समथिंग ए मैं ऑलरेडी अपीयर कर चुका हूँ इसलिए इस प्लेस पर कोई अदर सिंबल यूज करूँ लाइक कैपिटल एम, अगर कैपिटल एम से सेपरेट हुआ था इस प्लेस पर आपको सेपरेट भी क्या पास करना होगा कैपिटल एम। प्लस इस केस में आर्गुमेंट टाइप क्या स्ट्रिंग, इसलिए जरूरी नहीं कि एक सिंगल कैरेक्टर से सेपरेट करना पॉसिबल, मल्टीपल कैरेक्टर से भी सेपरेट करना पॉसिबल है, मल्टीपल कैरेक्टर बेस्ड सेपरेटर भी सप्लाई करना पॉसिबल। दिस इज द वर्किंग ऑफ स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड का एक और फॉर्मेट अवेलेबल टोटल इसके टू ओवरलोडेड वर्जन है, सेकेंड आर्गुमेंट क्या इसका इंटीजर समथिंग एक्स, इस केस में इंटीजर एक्स सेकेंड आर्गुमेंट क्या नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स अगर इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को मुझे ओनली मीन करेंट केस में स्ट्रिंग कितने सब स्ट्रिंग में स्प्लिट हो रहा है थ्री सब स्ट्रिंग, बट सपोज दैट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे ओनली टू सब स्ट्रिंग में स्प्लिट करना है, जैसे मैंने एड्रेस पास किया तो एड्रेस के केस में फर्स्ट वन क्या था ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, रिमेनिंग केस में क्या था लाइक अ फ्लैट नंबर कॉलोनी स्टेट सिटी लाइक दैट। अगर मुझे एड्रेस के केस में ओनली ब्लॉक नंबर को रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन सेपरेट करना देन टोटल कितने सब स्ट्रिंग क्रिएट होंगे टू, फर्स्ट सब स्ट्रिंग में कैस्टर हो जाएगा लाइक अ ब्लॉक नंबर और ब्लॉक नेम, रिमेनिंग सब स्ट्रिंग में कैस्टर हो जाएगा एज अ फ्लैट नंबर कॉलोनी स्टेट सिटी लाइक दैट इन्फॉर्मेशन। तो इसके अगर टू सब स्ट्रिंग में स्प्लिट कराना है थ्री सब स्ट्रिंग में स्प्लिट करना है सप्लाई क्या करो टू और थ्री लाइक दैट। इस केस में जब पर्टिकुलर मेथड अगेन कॉल होगा तो इस केस में जब एरे क्रिएट होगा इसे एरे का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेपरेटर पास किया है स्पेस, स्पेस के बेसिस पर फर्स्ट सब स्ट्रिंग क्या क्रिएट हो रहा है ए बी सी और रिमेनिंग पार्ट कंसिडर हो गया सेकेंड सब स्ट्रिंग, देन इस केस में एरे किस टाइप से क्रिएट होगा लाइक दैट। जैसे एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे ओनली टू एलिमेंट्स पी क्यू आर स्पेस एक्स वाई जेड प्लस लेंथ क्या है इसका ओनली टू। जैसे पर्टिकुलर केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या जाएगा ओनली ए बी सी एंड पी क्यू आर स्पेस एक्स वाई जेड। इस द फंक्शनैलिटी और वर्किंग ऑफ स्प्लिट मेथड।